नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सोना भट्ट और आप सबका स्वागत है टेक होम टिप्स में। आज मैं आपके लिए विंटर स्पेशल गाजर के हलवे की रेसिपी लेके आई हूं। बिल्कुल हलवाई स्टाइल गाजर का हलवा बनाएंगे लोहे की कढ़ाई में। लेकिन खास बात क्या है, खास बात ये है कि इसमें मैंने केवल 3 चम्मच, वो भी छोटा चम्मच, देसी घी का इस्तेमाल किया है। स्वाद इतना लाजवाब है कि कोई भी खाएगा तो आपकी तारीफ होनी पक्की है। बहुत जल्दी बनाएंगे। बेसिक इंग्रेडिएंट है, बेसिक टाइम लगेगा जो ट्रेडिशनल गाजर के हलवे में लगता है। अगर आपको रेसिपी पसंद आती है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। कमेंट लिख के जरूर बताइएगा कि आपको ये आसान सी और बहुत स्वादिष्ट गाजर के हलवे की रेसिपी कैसी लगी। मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। सब्सक्राइब करना तो आपको पड़ेगा। अगर आपको अच्छा लगेगा तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा। मुझे बहुत हौसला मिलता है जब आप सब्सक्राइब करते हैं और मेरे वीडियोस पर प्यारे प्यारे कमेंट लिखते हैं। तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं। झटपट बनाना शुरू करते हैं गाजर के हलवे की ट्रेडिशनल रेसिपी। तो यहाँ पर मैंने 2 किलो गाजर ली है और उसे देखिए मैंने इस तरह से पूरा अच्छे से छील लिया है, धो लिया था बहुत अच्छे से, और ऊपर का हमने इसका पतला वाला छिलका हटा लिया है। तो इस तरह से पूरी मेरी गाजर रेडी हो गई है। बहुत मीठी गाजर है और मैं यहाँ फूड प्रोसेसर का यूज़ कर रही हूँ, तो यहाँ मैंने मीडियम वाला इसमें सेक्शन लगाया है जिससे ये इतने मीडियम साइज़ के इससे कटेंगे गाजर। तो देखिए इस तरह से मैं इसे फिट कर दे रही हूँ। अगर आपके पास फूड प्रोसेसर है तो मैं सजेस्ट करूँगी कि आप गाजर इसी में घिसा कीजिए, क्योंकि बहुत ही कम टाइम लगता है। मतलब लाइक विद इन अ मिनट हमारी पूरी 2 किलो गाजर पूरी रेडी हो गई, घिस के तैयार हो गई। क्योंकि गाजर का हलवा बनाने में टाइम लगता है, तो आप अपने लिए थोड़ी सी मेहनत कम कर लीजिए और इस तरह से इसे घिस के तैयार कर लीजिए। तो यहाँ पर मैंने एक लोहे की कढ़ाई गैस पर रख दी है और पूरी मेरी गाजर अच्छे से घिस गई है। और 1 चम्मच मैं यहाँ घी ले रही हूँ। तो यहाँ इनिशियली 1 चम्मच ही घी का इस्तेमाल करना है। बहुत कम घी में आज गाजर का हलवा बनाएंगे, वो भी बिल्कुल हलवाई के स्टाइल का। तो देखिए इस तरह से मैंने पूरी गाजर कढ़ाई में डाल दी है। अभी क्योंकि गाजर बहुत ज़्यादा है तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे गाजर तो ज़्यादा है और कढ़ाई तो छोटी हो गई, लेकिन ऐसा नहीं है। थोड़ी ही देर में गाजर बिल्कुल पकने लगेगी और हमारी गाजर काफ़ी कम हो जाएगी क्वांटिटी में। तो नीचे से ऊपर की ओर घुमाएंगे हम, क्योंकि ये गर्म है कढ़ाई, तो नीचे वाली गाजर गलती जाएगी और हम उसे ऊपर से नीचे करते जाएंगे इस तरह से, ताकि जो हमने घी डाला है उसका भी फ्लेवर पूरी तरह से आ जाए। तो इस तरह से देखिए ऊपर नीचे मैं करूँगी। गाजर के हलवे में मेहनत तो होती है, देखिए इसे बार बार चलाना पड़ता है, तो लेकिन जो इसका स्वाद होता है जब आप खाते हो तो वो सारी मेहनत बिल्कुल बराबर हो जाती है। तो थोड़ा थोड़ा सबकी हेल्प लेते रहिए और गाजर का हलवा बनाते रहिए, क्योंकि सर्दी में गाजर का हलवा नहीं खाया तो क्या खाया। तो देखिए इस तरह से मैं इसे बार बार पलटती रहूँगी, घुमाती रहूँगी। धीरे धीरे गाजर जो है पानी रिलीज़ करना शुरू कर देगी और सॉफ्ट होती जाएगी, क्वांटिटी कम होती जाएगी। आप नोटिस करेंगे कि पहले पूरी गाजर कढ़ाई में ऊपर तक भरी थी और धीरे धीरे देखिए ये पचने लगी है, कम होने लगी है और नीचे की ओर आने लगी है। तो यहाँ पर ऑलमोस्ट 10 मिनट्स हो गए हैं, देखिए गाजर ने कितना सारा पानी रिलीज़ कर दिया है। मैंने जो यहाँ गाजर ली है बहुत मीठी है। मैं जब भी गाजर का हलवा बनाती हूँ तो इंश्योर कर लेती हूँ कि बहुत गाजर मीठी हो, ताकि मुझे कम से कम चीनी का इस्तेमाल करना पड़े। इससे क्या होता है, एक तो शुगर कम लगती है और साथ में एक हेल्थ बेनिफिट तो होता ही है। तो अब मैं इसे ढक्कन लगा के लगभग 10 मिनट तक पकाऊंगी, और लेकिन बीच बीच में घुमाते रहेंगे। और इस तरह से देखिए मैंने बीच बीच में घुमाते रही और मैं इस तरह से इसे पकाऊंगी। तो देखिए और ज़्यादा पानी रिलीज़ होना स्टार्ट हो गया है, गाजर गलने लगी है। कलर देखिए, कोई आर्टिफिशियल कलर हम इसमें नहीं डाल रहे हैं और फिर भी हमारी गाजर कितनी अच्छी लग रही है। तो सारा इसका धुआं जो है मेरे कैमरे में आ रहा है और बार बार जो है कैमरे के आगे बिल्कुल अंधेरा सा हो जा रहा है, पर ये इस यही प्रोसेस है। गाजर के हलवे में धुआं तो निकलेगा ही और गाजर का हलवा बनेगा भी इसी तरीके से। तो इस तरह से देखिए मैं इसे बार बार टर्न करती रहूँगी, ऊपर का नीचे करते रहेंगे, बीच बीच में हम इसे चलाते रहेंगे। अगर आप मोटे बेस की कढ़ाई का इस्तेमाल करेंगे तो थोड़ा सा आपका प्रोसेस आसान हो जाएगा, आपको बहुत बार बार नहीं चलाना पड़ेगा। क्योंकि अगर कढ़ाई पतले बेस की होगी तो नीचे लगने के चांसेस होते हैं, पर यहाँ मेरी कढ़ाई अच्छी खासी मोटे बेस की है तो हलवा बनाना थोड़ा आसान है। तो देखिए इस तरह से हम घुमाते रहे, गाजर काफ़ी कम हो गई है, बार बार ढक्कन लगाते रहेंगे और बार बार इसे पकाते रहेंगे। तो देखिए वाटर काफ़ी कम हो गया है, गाजर ड्राई होनी स्टार्ट हो गई है, और अगर मैं इस तरह से दबा रही हूँ तो देखिए काफ़ी सॉफ्ट हो गई है और कलर देखिए कितना अच्छा आया है। तो अब मैं यहाँ पर 1 कटोरी चीनी डाल रही हूँ। चीनी आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आप ज़्यादा मीठा खाना चाहते हैं तो आप चीनी बढ़ा लीजिए, पर हमेशा चेक कीजिए कि गाजर कितनी मीठी है, उसके हिसाब से आप कीजिए। चीनी आप बाद में भी बढ़ा सकते हैं।
तो इस तरह से मैं पूरी चीनी को मिला लूँगी और अब हम ढक्कन नहीं लगाएंगे। चीनी डालने के बाद हम इसे खुला पकाएंगे ताकि जो पानी है इवेपोरेट होता रहे और ज़्यादा जल्दी हमारी गाजर सूखने लगे। तो इस तरह से बार बार हिलाते रहेंगे, बार बार पकाते रहेंगे। अभी तक अगर आपने नोटिस किया है, मैंने बस एक चम्मच घी डाला है और अब मैंने लगभग 3 इलायची को बिल्कुल अच्छे से क्रश कर लिया और वो भी मैंने इसमें डाल दिया है और इसे बहुत अच्छे से हम मिला लेंगे। तो एक चम्मच घी से अभी तक का हमारा पूरा प्रोसेस हुआ है। ज़्यादा घी का दोस्तों इसमें इस्तेमाल नहीं करेंगे, थोड़ा सा मैं और डालूंगी पर अभी फ़िलहाल के लिए मैं इतने ही घी में इसे पकाऊंगी। तो देखिए अभी मैं 10 मिनट तक और इसे खुले में बार बार पकाती रहूंगी और बीच बीच में हिलाती रहूंगी बार बार, और 10 मिनट्स मैंने और स्पेंड किए चीनी डालने के बाद। और देखिए इस तरह से हमारा हलवा बिल्कुल ड्राई होने लग गया है, गाजर का हलवा। और कलर देखिए, इनिशियली पूरा ऊपर तक फिल था और अब देखिए कितना हो गया है। तो यहाँ पर देखिए मैं इस तरह से बीच में थोड़ा सा गैप कर लूँगी और इस तरह से हम होल बना लेंगे कढ़ाई के बीच में, क्योंकि ज़्यादा बर्तन नहीं लगा रहे हैं, इसी में सारा प्रोसेस करेंगे। बिल्कुल जिस तरह से हलवाई काम करते हैं, कम से कम बर्तनों में और सबसे ज़्यादा स्वादिष्ट हलवा बनाएंगे। तो यहाँ पर मैंने बीच में इस तरह से एक होल कर लिया है और अब मैं यहाँ पर घी डालूँगी। तो इनिशियली हमने एक चम्मच डाला था और अब मैं 2 चम्मच इसमें घी और डालूँगी। तो यहाँ पर देखिए मैंने एक चम्मच डाल दिया है और इसी तरह से 2 चम्मच घी मैं इसमें डाल दूँगी। अब हमें क्या करना है, ये घी को मेल्ट करना है और इसमें मैं डालूंगी ड्राई फ्रूट्स। तो आप अपनी पसंद के कोई भी ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर काजू और बादाम लिए हैं जिन्हें मैंने बारीक काट लिया है। बादाम को मैंने बारीक काटा है, काजू को मैंने ऐसे ही टुकड़ा रखा है और इसे मैं इस तरह से भून लूँगी। तो बीच वाले ही सेक्शन में जो हमने घी डाला है वहाँ पर हम इन्हें भून लेंगे। लगभग 1 मिनट तक भूनिए, काफ़ी अच्छा घी का फ्लेवर आ जाएगा ड्राई फ्रूट्स में और इस तरह से हमारा एक ही बर्तन में ड्राई फ्रूट्स भी फ्राई हो जाएंगे। तो अब मैं ये सारी चीज़ों को मिला दूंगी, इससे घी का बहुत अच्छा सा स्वाद आएगा। ड्राई फ्रूट्स में भी घी का अच्छा सा कोटिंग हो गई है तो वो भी अपना अच्छा सा स्वाद देंगे। और सारी चीज़ें जब आपस में मिल जाएंगी तो आप देखेंगे कि घी का बहुत अच्छा टेक्सचर हलवे में आ जाएगा और कम से कम घी के साथ हमारा हलवा बहुत बेहतरीन बनेगा। आप अगर यहाँ पर देख पा रहे हैं तो हलवे में लग रहा है जैसे मैंने बहुत सारा घी डाला है। और साथ में देखिए मैंने ये घर में ही खोया बनाया है, 1 लीटर दूध से मैंने ये खोया बनाया था। दूध को बार बार उबाल लिया और जब तक वो गाढ़ा नहीं हो गया तब तक हमने इसको इस तरह से बनाया है। अब ये बिल्कुल हलवा हमारा तैयार है। अब मैं इसमें थोड़ा थोड़ा करके खोया डालूंगी। तो इस तरह से मैं हाथ से ही तोड़ते हुए इसमें थोड़ा थोड़ा करके खोया डालूंगी। एक साथ मत डालिए, थोड़ा डालिए और फिर इसे मिलाइए बहुत अच्छे से। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा खोया डाला है और अब मैं इसे बहुत अच्छे से चम्मच से मिला लूँगी। तो इस तरह से हम इसे पूरा प्रोसेस करेंगे। अभी तक मुझे लगभग 35 मिनट्स लगे हैं पूरा कुकिंग प्रोसेस में और अब देखिए मैं इसको इस तरह से मिला रही हूँ। तो एक बार मिलाऊंगी, उसके बाद मैं इसमें थोड़ा सा खोया और डालूंगी और फिर मैं उसे अच्छे से मिलाऊंगी। तो अगर आप इस तरह का प्रोसेस करेंगे तो आपके पूरे हलवे में खोए का बहुत अच्छा सा टेक्सचर दिखेगा और लगेगा कि हाँ हमने गाजर के हलवे में खोया डाला है। वरना जनरली क्या होता है, अगर हम एक साथ डाल देते हैं या जब हलवा गीला होता है उसमें वाटर होता है तभी हम अगर खोया डाल देते हैं तो खोया पूरी तरह मिल जाता है और कलर एक तो हलवे का डल हो जाता है और पता ही नहीं लगता कि हमने खोया डाला है, वो दानेदार टेक्सचर नहीं आता। तो मैंने यहाँ पर जितना भी खोया बनाया था वो डाल दिया और जो थोड़ा सा बचा था उसे मैंने ऊपर इस तरह से डेकोरेट कर दिया, बिल्कुल हलवाई स्टाइल। इसी तरह से जब आप हलवाई के यहाँ कुछ लेने जाते हैं, हलवा लेने जाते हैं, तो उसकी कढ़ाई इसी तरह से सजी होती है जो हमें और ज़्यादा टेम्प्ट करती है और कहती है कि आओ और गाजर का हलवा ले लो। तो यहाँ मैंने भी इस तरह से कढ़ाई को पूरी तरह डेकोरेट कर दिया है, गर्मा गर्म हलवा सर्व करूँगी। और इस तरह से अगर आप हलवा बनाएंगे तो जो हलवा ना खाने वाला भी होगा ना, वैसे तो मुझे नहीं लगता ऐसा कोई होगा जो गाजर का हलवा नहीं खाता, लेकिन अगर कोई ऐसा होगा भी वो भी टेम्प्ट हो जाएगा और खाएगा और आपसे इसकी रेसिपी ज़रूर पूछेगा, क्योंकि ये बिल्कुल हलवाई स्टाइल है विद लेस एफर्ट्स एंड लेस इंग्रेडिएंट्स। कम घी के साथ हेल्दी हलवा खाइए और कमेंट लिख के ज़रूर बताइएगा कि आपको गाजर के हलवे की ये रेसिपी कैसी लगी। मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। टेक होम टिप्स देखते रहिए। टेक होम टिप्स देखने के लिए आपका धन्यवाद।